हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों, आज एक हम मैट्रिक्स का कलर देखने वाले हैं, उसके साथ हम स्मार्ट बॉन्ड भी यूज़ करेंगे। तो ये जो है, ये मैट्रिक्स का 12.1 नंबर का शेड है, तो ये हम आज यूज़ करेंगे। उसके साथ हम 40 वॉल्यूम का डेवलपर यूज़ करने वाले हैं, उसका मिक्सिंग रेशो 1:1.5 है। तो कलर ले लिया हमने, उसके बाद आपको स्मार्ट बॉन्ड जो है उससे लेना है 2 ml, 2 से 4 ml। तो हम ये आधी ट्यूब लिए, इसलिए हम 2 ml ट्यूब लेंगे स्मार्ट बॉन्ड का स्टेप 1। उसके साथ 40 वॉल्यूम स्मार्ट बॉन्ड हाईलाइट में काफ़ी अच्छा वर्क करता है, बालों को ज़्यादा ड्राई नहीं होने देता है, आपके बॉन्ड्स को प्रोटेक्ट करता है। उसके लिए हम लेंगे 40 डेवलपर, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम अच्छे से सेक्शंस लेंगे बालों के ऊपर और हमारी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो ऐसे वीविंग कर लिया है इनके हेयर के ऊपर, और हम अभी क्राउन हाईलाइट करने वाले हैं। आपको स्मॉल स्मॉल सेक्शन लेते हुए वीविंग करना है बालों के ऊपर। हम स्लाइसिंग यूज़ नहीं कर रहे, हमें पूरा वीविंग टेक्निक में ही पूरे बालों में हाईलाइट करने हैं। और इनके बाल वर्जिन थे, इनके हेयर में प्रीवियस कलर भी है, बट इनको बस ऊपर से बालों में कलर चाहिए था, तो हम बस डायरेक्टली वीविंग कर रहे हैं। उनका ग्लोबल का रिक्वायरमेंट नहीं था, नहीं तो अगर इसके साथ आप ग्लोबल भी करते हो तो काफ़ी हद तक अच्छा होता है, क्योंकि जो प्रीवियस कलर है वो भी चला जाता है और जो हाईलाइट है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हेयर पे आते हैं। तो ऐसे ही आपको सेक्शन करना है। देखो दोस्तों, एकदम स्मॉल सेक्शन लेना है और उसको उसमें से भी थोड़ा सा सेक्शन लेके आपको उसमें वीविंग करना है। तो वीविंग टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उसमें जो भी आप वीव कर रहे हैं वो एक्चुअली सेम साइज़ के होने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि वो व्यूज बहुत ब्रॉड या बहुत ही शॉर्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो याद रखिए, अगर आप जितना सिमिलर व्यू करोगे उतना ही वो इवन और अच्छा दिखेगा हेयर्स के ऊपर। तो वीविंग करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी व्यू आप निकाल रहे हो वो सिमिलर साइज़ के हो, वो छोटे या बड़े ना हो। ज़्यादा भी बड़े आप नहीं कर सकते तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो आप स्मॉल वीव या फिर मीडियम साइज़ के वीव ही करो, जिससे बालों में इवन दिखे और बहुत खूबसूरत तरीके से आपके हाईलाइट आए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद अच्छे से फॉइल पेपर को रैप करें, इसे कहीं से भी हवा आने के लिए जगह मत रखिए, और उसे प्रॉपर आप फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद सेम वही सेक्शन, वही टेक्निक आपको यूज़ करनी है। बहुत लोग वीविंग में बहुत अजीब तरीके से करते हैं, उसके वजह से उनके हाईलाइट प्रॉपर नहीं आते हैं। तो आप जैसे देख रहे हो, इनका जो वीविंग हम कर रहे हैं उसमें कितना परफेक्शन है और कितने सेम साइज़ के वीव उनके हेयर के ऊपर आ रहे हैं। तो आपको भी सेम साइज़ के वीव लेना है, कोई भी छोटा या बड़ा आपको वीव नहीं लेना है। उसके बाद आप जो भी कलर ले रहे हो हाईलाइट कट रहे हैं, उसे अच्छे से मर्ज करिए। अगर आप प्रॉपर कलर मर्ज नहीं करोगे बालों के साथ ब्रश से, तो उसके वजह से क्या होगा, कहीं पे कलर आएगा कहीं पे नहीं आएगा, उससे बालों पे ऐसा अनइवन लुक आएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जितना भी हो सके ब्रश से अच्छे से मर्ज कीजिए, जिससे कि आपको दोबारा खोलने की या फिर मर्ज करने की ज़रूरत ना पड़े। इसे आपको ध्यान देना है और अच्छे से बालों के साथ मर्ज करना है। तो आप स्मार्ट बॉन्ड का जो यूज़ है वो भी इसमें कर सकते हो। स्मार्ट बॉन्ड के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उस पर अलग से मुझे पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। आज हाईलाइट है, तो मैं आज बस हाईलाइट के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो छोटे हेयर्स है उसे थोड़ा सा आप साइड में कर सकते हो या बैक कॉम करके उसे निकाल सकते हो, और बाकी के हेयर्स पर आपकी वीविंग टेक्निक स्टार्ट कर सकते हो। तो हमने बस क्राउन साइड्स में ज़्यादा फॉइल्स इनके हेयर पे लगाया है, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट बस सामने की तरफ ही थी, या फिर जो उनका क्राउन सेक्शन है और साइड है वहाँ पे ही थी, तो हमने वहाँ पे ही फॉइल लगाया है और उसके ऊपर हम ये प्रोसेस कर रहे हैं।
तो दोस्तों और भी कुछ नए वीडियो मैं बना रहा हूँ, और भी आपके कुछ सजेशंस रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कि और क्या चीज़ें आपको सीखनी है, या मैं किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मैं उस चीज़ के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ पे आपके फॉइल्स लग चुके हैं पूरे हेयर में, साइड में भी मैंने लगा दिया, बस उसका वीडियो नहीं लिया है, बट आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने साइड और क्राउन में प्रॉपर उनके हेयर के ऊपर हाईलाइट लगा दिए। उसके बाद 35 मिनट के बाद आप देख सकते हो उनके हेयर के ऊपर कलर आ चुका है। तो इनके जो हेयर से वर्जिन थे इसलिए बराबर कलर 35 मिनट में आया है। अगर हीना कोटेड या ऐसे हेयर रहते तो हमें प्रलाइटनर की यूज़ करना पड़ता था, जिससे उनके हेयर में हम कलर कर सकते थे। तो उसके लिए और अलग की प्रोसेस थी, तो उसका मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। ये तो वर्जिन हेयर है इसलिए हमें इसमें प्रलाइटनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमने पहले स्टेप वन यूज़ किया था इनके हेयर पे, अब हम स्टेप टू यूज़ करेंगे, पूरा पानी निकाल देंगे और जो स्मार्ट बॉन्ड का स्टेप टू है उसे हम लगाएंगे उनके हेयर के ऊपर। उसके बाद आपको इसे 10 मिनट रखना है, उसके बाद शैम्पू करना है, उसके बाद आपको कंडीशनर करना है, देन पूरे ड्राई करके हम लोग सेट करेंगे स्ट्रेट और आपको दिखाएंगे फाइनल रिजल्ट इनके हेयर के ऊपर। तो अच्छे से इमल्सिफाई करो स्मार्ट बॉन्ड का स्टेप टू और उसे रखिए 10 मिनट्स तक उनके हेयर में। रखने के बाद अच्छे से छोड़ दीजिए और उसके बाद ड्राई कर रहे हैं हम लोग। और ब्लो ड्राई का मैंने वीडियो नहीं लिया क्योंकि मैंने स्ट्रेट ही ब्लो ड्राई किया है। तो आपको जो है मैं फाइनल रिजल्ट अभी इनके हेयर के ऊपर दिखाऊंगा कि फाइनल रिजल्ट इनके हेयर के ऊपर कैसा आया है। तो आप देख सकते हो हाईलाइट तो आ चुके हैं प्रॉपर क्राउन से, तो कितना अच्छा लग रहा है उनके हेयर के ऊपर। और ये है दोस्तों फाइनल रिजल्ट, आप देख सकते हो ऊपर से लाइन से नीचे तक। तो दोस्तों आपको ये लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। दोस्तों बहुत एफर्ट लगती है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम्स होते हैं उसके बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के किसी क्लाइंट को सजेस्ट करके आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है। तो आप भी लाइक करके ये वीडियो को प्यार दीजिए और ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए मुझे लानी है बट उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो दोस्तों मैं यही कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों देखो कितना अच्छा लग रहा है उनके हेयर्स के ऊपर वो हाईलाइट्स। तो आप भी आपके क्लाइंट पर करो और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर आपने जो काम किए उसके फोटोज़ डालो, मुझे टैग करो तो मुझे भी दिखाई दे कि आप कैसा काम कर रहे हो आपके सलोन्स में। तो प्लीज़ मैं आपका मेरा जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो दे दूँगा, तो उसके ऊपर आप जाओ मुझे फॉलो करो और जो भी आपके आपने जो काम किया है उसके पिक मुझे टैग करो दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और देखते रहिए अविनाश हेयर केयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।